देख सकते हैं ये सरसों का साग है, इतनी सारी गड्ढियाँ बनाई हैं। और उसके साथ ये लाल मूली, हाँ ये लाल मूली, ये तो कितनी बड़ी है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ये इतनी सारी हार्वेस्ट करी हैं, ये करीब हमने 1.5 से 2 महीने के करीब लगाई थी। और इतनी सारी हार्वेस्ट करने के बाद भी अभी भी इतना सारा फील्ड बाकी है, जिसको हम 3 से 4 बार में और आके कटिंग करेंगे। आजकल लोग इतने बिजी हैं कि जब भी मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी सब्जियां एक साथ इकट्ठी करके ले आते हैं, जिससे कि 7 से 10 दिन तक उनका काम चलता रहे, और उन सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं और धीरे धीरे पकाते रहते हैं। तो जितनी भी सब्जियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बासी हो जाती हैं। इन सब्जियों को पकाने के बाद इनका न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाता है, इनकी शक्ति कम हो जाती है। हम जितनी ताज़ी और फ्रेश सब्जियाँ खाते हैं उतना ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब उन सब्जियों की ताकत हमें मिलती है अगर हम ये सब्जियाँ ताजी खाते हैं। लेकिन अगर हम इनको 3 से 4 दिन रख के खाते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन कम हो जाता है, इसके विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा कम हो जाती है, और उस खाने से हमें कम शक्ति मिलती है। तो आप कोशिश करें कि जो भी सब्जी खाएं ताजी और फ्रेश खाएं, 3-3 दिन के अंतराल पे जाके मार्केट से सब्जी लाएं, और कोशिश करें कि इन सब्जियों को, कुछ सब्जियों को आप अपने घर में गमले में या ज़मीन पे लगा सकें, जिससे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल सकें और जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स नहीं हो। मेथी और मूली के बीज आप किसी भी मार्केट या नर्सरी की दुकान से ले सकते हैं। मार्केट में जो मेथी के बीज आते हैं वो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं, और उनके लगाते ही रिजल्ट अच्छा आता है, ग्रोथ अच्छी होती है। अब इस तरह से आप मेथी के बीज को स्प्रिंकल कर दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी दूर पे मेथी के बीज, मतलब 3 इंच की गैप पे स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे इन्हें प्रॉपर सनलाइट और स्पेस मिल सके और इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। सीड्स डालने के बाद इन सीड्स को मिट्टी की एक थिन लेयर से कवर कर देते हैं और हल्के हाथों से पानी को डाल देते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे बीजों में मॉइस्चर बनी रहे। ये 7 दिन के बाद का अपडेट है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो गए हैं। 15 से 20 दिन के बाद मेथी उगना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें बीच बीच में पानी देना पड़ता है और ज़्यादा कुछ इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 25 दिन के बाद तो मेथी काफ़ी ग्रो कर गई है। मूली को आप अक्टूबर से जनवरी के महीने तक लगा सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर हो जाता है वो 10 से 25 डिग्री के लिए हो जाता है, और जो कि बहुत ही सूटेबल टेम्परेचर होता है। पहले इस तरह से मिट्टी को आप एक जैसा कर लीजिएगा। टू ग्रो रेडिश सॉइल शुड बी लूज एंड वेल ड्रेन्ड। आप इसमें कोई भी खाद भी मिला सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद। इसके बाद 3-3 इंच के गैप पे आप मूली के सीड्स को स्प्रिंकल कर दीजिएगा। ये 15 दिन के बाद का अपडेट है। 4 से 5 इंच के मूली के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। एक बार सीड से लगाने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मूली और सरसों के बीज अपने आप उग जाते हैं। बस 2 से 3 दिन में आपको एक बार पानी देना है। इस समय विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो भी बिल्कुल सूटेबल होता है ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए। मूली और सरसों के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस इन पौधों को 5 से 6 घंटे की सनलाइट ज़रूरी है। अगर सनलाइट नहीं मिलती है तो इनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। इस मूली को लगाए हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए हैं। ये एक मूली मैंने निकाल के दिखाई है, देखिए इसमें पूरी प्रॉपर ग्रोथ हो गई। मूली में विटामिन ए, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन और विटामिन सी बहुत होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो आप लोग इसके पत्ते को फेंकिए मत, इसकी आप सब्जी में डाल सकते हैं, कच्चा सैलेड के रूप में खा सकते हैं। मूली के पत्ते में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है। अब सर बिटिया क्या कर रही है? पहले भी कभी काम करा है या अभी पहली बार कर रही है जिंदगी में? फर्स्ट टाइम करा है। तू तो लोकल गांव की है फिर भी नहीं करा ये काम? नहीं।
आप लोग भी अपने बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सब्जियों को अपने आंगन में या गमले में लगा सकते हैं।